Hello friends, welcome to Impact Sports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, आज जो सवाल है, जो कि तीन लोगों ने सवाल करे हैं और वो एक ही मिलता जुलता सवाल है. सबसे पहला सवाल पूछा है मिथिलेश कुमार जी ने. हेलो सर, प्लीज मेक अ वीडियो जूट प्रोडक्ट एंड हाउ टू एक्सपोर्ट जूट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया. सेकेंड सवाल जो पूछा है अर्नब भट्टाचार्य जी ने, थैंक यू फॉर द वीडियो सर, जूट प्रोडक्ट विच कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है. ओके, तीसरा मिलता जुलता सवाल है गौरव सोंथालिया जी का, जो पूछते हैं सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एक्सपोर्ट ऑफ जूट शॉपिंग बैग्स. सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग दिस लवली प्रोडक्ट्स. एंड जो अभी तक आप कमेंट्स में आप आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि आप आगे चल के अब थोड़ा एक स्टेप बढ़ने का टाइम आ गया है. प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, बट उसके ऊपर आपको अब एक्ट करने का समय आ गया है. फ्रेंड्स, आप उसके ऊपर अब एक्ट करिए. अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उसके ऊपर आप समझ लीजिए कि आगे बढ़ने के लिए कुछ कर नहीं रहे, डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होते हैं या फिर आगे चल के उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है, कनेक्शंस बनाने होते हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये सब एनालिसिस का, मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूं आप लोग के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स. सो बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ, जो कि जूट बैग के रिलेटेड या जूट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड. आज हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, लाइक HS कोड क्या है जूट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, शॉपिंग बैग्स के रिलेटेड, 2019 एंड 2021 के अंदर कितने करोड़ों का एक्सपोर्ट हुआ है, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, जूट प्रोडक्ट्स किलो में कितने रुपए में एक्सपोर्ट होते हैं, जूट बैग्स प्राइस पर पीस कितने रुपए में एक्सपोर्ट होते हैं, कौन सी कंट्रीज में हमने कितने करोड़ों का एक्सपोर्ट करा, ये सब चीजें आज हम ये वीडियो में समझेंगे. बढ़ते हैं हमारे आगे डिटेल्स की तरफ, जो कि सबसे पहला प्रोडक्ट है जूट रॉ और रिटेड. जूट रॉ, तो जूट का जो रॉ प्रोडक्ट्स होता है, रॉ जूट्स, उसका HS कोड है 5303-1010, जो कि हमने एक्सपोर्ट करा है 1920 में 103 करोड़ का, 103 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा है, जो बढ़कर अभी जनवरी तक 2021 तक 141 करोड़ का हो चुका है. अगर हम बात करते हैं जूट हैंडबैग्स, जो कि अभी बहुत फैशनेबल में चल रहा है, जूट हैंडबैग्स या शॉपिंग बैग्स बोल सकते हैं, 4202-2230 ये इसका HS कोड है. अगर हम बात करें 1920, तो हमने 444 मतलब 444 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है, जिसके चलते 2021 में हमने 374 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है. तो रॉ जूट से ज्यादा हम लोग जो रॉ जूट से जो भी चीजें बन रही है, अगर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके एक्सपोर्ट करें तो मे बी पॉसिबल यू विल गेट अ गुड रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट. बात करते हैं पोर्ट्स की, के कौन से पोर्ट से निकलता है, तो जो रॉ जूट है वो मेजरली निकलता है पानीटाकी और जोगबानी, ये कुछ ICD और पोर्ट्स हैं जहां से ये पर्टिकुलर रॉ जूट निकलता है. अगर मैं बात करता हूं जूट हैंडबैग्स या शॉपिंग बैग्स की, तो वो सबसे ज्यादा जो जाता है कोलकाता सी और नावा शेवा, ये दो पोर्ट से या ICD से ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है. अगर हम बात करते हैं रॉ जूट कौन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, तो सबसे ज्यादा नेपाल और दिजोबोटी, नेपाल और दिजोबोटी, ये मेजर कंट्रीज है जहां पे हम इंडिया एज अ जूट रॉ एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कितने करोड़ों का एक्सपोर्ट करा, अब लाइक पूरे आपने देखा होगा, मैंने बताया 1920 में और 2021 में, मतलब हम लोग ने 141 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है. 141 करोड़ में से हमने नेपाल को 139.71 मतलब 140 करोड़ का तो हमने नेपाल को एक्सपोर्ट करा है 141 में से. और उसके बाद में जो बाकी बचा है वो आप बोल सकते हैं कि दिजोबोटी 1.23 करोड़.
सो पर्टिकुलरली अगर आप डेडिकेटेड जूट रॉ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू फ्रेंड्स। बात करते हैं जूट हैंडबैग्स की, तो जूट हैंडबैग्स और शॉपिंग बैग्स जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वो होता है फ्रांस, यूके, यूएसए, नेदरलैंड एंड जर्मनी। ये प्रोडक्ट्स यहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। करोड़ों की बात करें तो फ्रांस में 126 और यू बोल सकते हैं कि 127 करोड़ का ऑलमोस्ट हमने एक्सपोर्ट करा है। यूके में 47.79 मतलब 48 करोड़ अप्रॉक्स हमने एक्सपोर्ट करा है। यूएसए 32.89, नेदरलैंड 22.77 करोड़ और जर्मनी 18.93 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा है। अब हम बात करते हैं कि पर केजी और पर पीस का, तो अगर जो रॉ जूट है उसको अगर आप नेपाल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो 60 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, और दिजो बूटी के अंदर करना चाहते हैं तो 55 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं बात करता हूं जूट बैग्स, हैंडबैग्स, शॉपिंग बैग्स की, तो पर पीस के हिसाब से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, और वो चाहे कैसे भी बैग्स होते हैं, छोटे बड़े मोटे पतले कैसे भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जूट बैग्स में। तो सबसे ज्यादा अगर हमने फ्रांस में एक्सपोर्ट करा है तो 87 रुपीज पर पीस पे हमने एक्सपोर्ट करा है। यूके 80 रुपीज पर पीस, यूएसए 114 रुपीज पर पीस, नेदरलैंड 73 रुपीज पर पीस और जर्मनी 72 रुपीज पर पीस के हिसाब से हमने ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे हैं। तो अगर आप जूट प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप हैंडबैग्स, शॉपिंग बैग्स, जूट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जाना चाहते हैं तो दिस कंट्रीज आर मेजरली एक्सपोर्टेबल और इम्पोर्टेबल प्रोडक्ट्स जो आपका सराहना कर सकती है या आपसे वो ले सकती है फ्रॉम इंडिया। सो थैंक यू सो मच गौरव जी, मिथिलेश जी और अर्नब जी फॉर आस्किंग दिस वैल्यूएबल क्वेश्चन अगेन। अगर फिर भी अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करिए और डाउनलोड आवर GFE प्रो एप्लीकेशन, जहाँ पे आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स फॉर ऑल ऑफ योर रिलेवेंट क्वेरीज। हमारी टीम आपको वहाँ पे कनेक्ट करेगी और जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज है उसके सवालों के जवाब देगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। हनी कुमार शर्मा फ्रॉम GFE ग्रुप, थैंक यू सो मच।